हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं आरसीसी एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन। और ये आपका रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन जो सब्जेक्ट हमारा, आपको पता ही है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट। और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। हम जितने भी इवन ESC गेट या जितने भी सारे एग्ज़ाम नहीं है उसमें इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब्जेक्ट हमें वन बाय वन अच्छे से करना है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और किस किस एग्ज़ाम में इसका क्या वेटेज होता है, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है RCC का, फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका लिमिट स्टेट डिज़ाइन। उसके बाद आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे जो हमारे और पॉइंट हैं, सीयर। उसके बाद बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉर्जन। उसके बाद डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब, उसके बाद पढ़ेंगे हम कॉलम। उसके बाद पढ़ेंगे हम फुटिंग। इसके बाद हमारे जो एडिशनल टॉपिक हैं स्टेयर केस, वाटर टैंक, उसके बाद रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल के बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा दैट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी हमारा एक सब्जेक्ट है। इसमें सारा डिज़ाइन फिलॉसफी लॉसेस ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारी बेसिकली ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब चैप्टर होंगे हमारे RCC के। उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम तीन चैप्टर पढ़ेंगे। पहला आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिज़ाइन फिलॉसफी, कैसे हम उसमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद लॉसेस, तो ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन यहाँ पे कवर करेंगे। और देखा जाए तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज क्या होगा, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ESC प्री मेंस, उसके बाद आपका गेट, SSC JEE, State JEE, RRB JEE, उसके बाद आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ESC प्री में नियर अबाउट आपको लगभग 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, आउट ऑफ 200-300। मेंस में लगभग आपको नियर अबाउट 50 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। गेट में आपका 4-6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। SSC JEE में आपको 12-16 मार्क्स का मिलेगा प्री में, और मेंस में लगभग आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 50-60 मार्क्स। State JEE और RRB JEE में लगभग आपको मिलेगा 8-10% बाई वेट। और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी लगभग इसका 12-15% वेटेज मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 12-15 मार्क्स का और 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सारे एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बेसिकली कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन सारे एग्जाम में मिलने वाले हैं, बीम की डिजाइनिंग, स्लैब की डिजाइनिंग, फुटिंग की डिजाइनिंग, कॉलम की डिजाइनिंग, इन चारों में से आपको 2 डिजाइन के क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, चाहे जो आप मेंस का एग्जाम दोगे, चाहे SSC जेई मेंस दोगे आप, चाहे आप क्या नाम है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप दोगे AE का एग्ज़ाम, आप चाहे आप क्या नाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दोगे, इनमें से ये 2 डिज़ाइन के क्वेश्चन आने ही वाले हैं और एक कन्वेंशनल क्वेश्चन प्री स्टेज से भी पूछा जाता है। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन कन्वेंशनल सारे एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को करने के बाद आपको ये हो जाएगा कि हाँ लगभग 15 से 20% मार्क्स हमने कवर कर लिया है और इसमें कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में, बस सारा का सारा अगर आपने सोम पढ़ रखा है, सोम पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में स्ट्रेसेस की लोड कैसे लग रहा है, स्ट्रेस कैसे जनरेट होती हैं, ये सारा विजुलाइजेशन डेवलप हो चुका होगा ऑलरेडी। तो इसमें बस उसी का एप्लीकेशन करना है और साथ में यूज करना है कोडल रिकमेंडेशन का, साथ में जो हमारा लिमिटेशन होगा, जो हमारी कंस्ट्रेंट होगी यहाँ पे, वो क्या होगी, वो होगी कोडल प्रोविज़न। तो हमें उसी चीज़ को अप्लाई करना है, फोर्सेस को निकालने में, मूवमेंट में निकालने में, बैलेंस करने में, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में विद IS कोड लिमिटेशंस। तो हमारा जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले ही हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो हमारी डिज़ाइन फिलोसफीज हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। यहाँ पे हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन का से डिज़ाइन पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखेंगे। इसमें होता क्या है लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, अल्टीमेट मेथड क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या आपका फेलियर के कॉज थे कि वो ऑब्सोलेट हो गया, आपका अल्टीमेट लोड मेथड आया, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे कि लिमिट स्टेट मेथड आया, और उसके बाद कुछ आपका मटेरियल के बारे में, सीमेंट क्या होती है सुपरफिशियल वे में, बाकी डिटेल में हम क्या होता है सीमेंट कंक्रीट ये सारा BMC में पढ़ेंगे, आपका स्टील क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, श्रिंकेज क्या होता है, क्रीप क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो कोडल प्रोविज़न है अलग अलग कंडीशन में हम कितनी कवर प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसका हम स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मिक्स डिज़ाइन, और आपका मिक्स डिज़ाइन क्या होता है, कैसे हम मिक्स डिज़ाइन के प्रोसेस से आपका जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी हमारे RCC के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीमेंट कैसे निकालोगे, एग्रीगेट कैसे निकालोगे, तो ये सारा का सारा, ये सारा पार्ट हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट डिज़ाइन, लिमिट स्टेट डिज़ाइन क्या होती है, ये सारा तो हम पहले ही चैप्टर में पढ़ेंगे, लिमिट स्टेट डिज़ाइन के क्या एजम्पशन है, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट से चीज़ों को, ये पढ़ेंगे लिमिट स्टेट डिज़ाइन की फिलॉसफी में। फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, इसका डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होता है, हम कैसे डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, उसको देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। उसके बाद सीयर, सीयर का क्या रोल होता है, कैसे सीयर फोर्स एक्ट करने पे सीयर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं बीम में, सीयर स्ट्रेसेस के लिए हमें कितना रेनफोर्समेंट देना होता है, सीयर स्टीरअप्स को या फिर हम कह सकते हैं लेटरल रेनफोर्समेंट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें सीयर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे हमें कितना ओवरलैप प्रोवाइड करना होता है, इसकी क्या कंडीशन होती हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ में। उसके बाद टॉर्जन, टॉर्जन में हम देखेंगे बेसिकली कि जब हमारा मूवमेंट लग रहा हो या फिर हमारा सीयर फोर्स लग रहा हो, तो उसके साथ अगर हम टॉर्क भी अप्लाई कर दें, उसके साथ हम टॉर्क अप्लाई कर दें, तो टॉर्क के इफेक्ट को हम सीयर में और बेंडिंग में कैसे कंसीडर करके बीम को डिज़ाइन करेंगे, उसमें रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, उसमें स्पेसिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, टॉर्जन में। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ बीम एंड स्लैब, बीम का डिज़ाइन, बीम जो आपका रेक्टेंगुलर बीम, टी बीम होती है, इन सब का बेसिक डिज़ाइन हम यहीं पे देख लेंगे, और यहाँ पे बीम के साथ साथ स्लैब का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये देखेंगे कि हम स्लैब की कैसे डिज़ाइन करते हैं, और इन सब सारी चीज़ों के साथ इसके लिए कोडल रिकमेंडेशन क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलम, आपका कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर में हम कॉलम को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कितना रीइन्फोर्समेंट देते हैं, क्या स्पेसिंग देते हैं, जब आपका एक्सियल लोड लगता है तो उस केस में कैसे डिज़ाइन करेंगे, जब आपका एक्सियल या कंप्रेसिव लोड के साथ साथ यूनी एक्सियल बेंडिंग लगती है तब हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, बाई एक्सियल बेंडिंग
फिटिंग लगती है, तब हमारा क्या डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है। उसके बाद हम फुटिंग की डिज़ाइन पढ़ेंगे कि फुटिंग को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कितनी टाइप की फुटिंग होती हैं, किस चीज़ के लिए आपका एक क्रिटिकल होता है, तो ये सारा फिलॉसफी हम फुटिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेयर केस की डिज़ाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाटर टैंक की डिज़ाइन पढ़ेंगे और फिर रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट होगा दैट इज़ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। तो ये हमारा था बेसिक, आपका जो स्केलेटन है, जो आपका सिलेबस है, वो ये सब सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़ना है आरसीसी में और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में। और जो इसका वेटेज होता है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, ये कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें मार्क्स देख के ही पता चल जाती है कि इसको, इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। तो ये था हमारा कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड कि कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है आरआरबी जेई सीबीटी 2 और एसएससी जेई, और उसके बाद जेई की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। आपका यूपी में जो जेई का एग्ज़ाम होने वाला है वो, उसकी भी डेट आ चुकी है। उसके बाद यूपी में आपका जल निगम का एग्ज़ाम होता है, वो उसमें जेई की रिक्रूटमेंट हुई थी वो कैंसिल हो गई है, तो वो फिर से नई रिक्रूटमेंट आने वाली है। हरियाणा में आपका जेई का एग्ज़ाम निकला हुआ है, और उसके बाद उत्तराखंड पीएससी में भी, उत्तराखंड में भी अभी हाल ही में आज या कल में जेई का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और बाकी स्टेट में जो वैकेंसी आने वाली है, आरपीएससी आप अगर मेंस दे रहे हो, और उसके बाद यूपी में भी 2019 की एई की वैकेंसी आने वाली हैं, तो सारे के सारे एग्ज़ाम आपको जहाँ पे भी आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे आरसीसी बहुत अच्छे परसेंटेज में मिलेगी, और आपका सिलेबस जो है वो सारे एग्ज़ाम के लिए 100% कॉमन होगा। आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोगे सब में यही चीज़ें पूछी जाती है। तो हम वन बाय वन टॉपिक को कवर करते चलेंगे डिटेल में, और इसके साथ कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाते चलेंगे, और जो माइनस चीज़ें होंगी यहाँ पे हम लिखते चलेंगे, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर लिमिट स्टेट डिज़ाइन, सेकेंड चैप्टर लिमिट स्टेट डिज़ाइन। लिमिट स्टेट डिज़ाइन, लिमिट स्टेट डिज़ाइन का क्या फिलॉसफी होता था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम हमेशा जब डिज़ाइन करते हैं तो जो स्ट्रेट पोर्शन होता है, मतलब अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, लेकिन इसमें हम उसके बियॉन्ड जाके चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं उसके बियॉन्ड जाके चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। और इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, तो नाम से समझ में आ रहा है कोलैप्स मतलब कि कब तक वो टूटेगा, टूटने से पहले, फेल होने से पहले, कोलैप्स होने से पहले कितना वो लोड बियर कर लेगा, दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और दूसरा क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, कि वो आपका टूटने से पहले सर्विसिबल भी होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपकी यहाँ पे कोई बीम हो, और बीम आपका लेस टेक जब आपका 100 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, इतना लोड लग जाता है एक्सटर्नल लोड की वजह से, इतना मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, तुम्हारी बीम फेल होती है, तो फेल 100 पे हो रही है, लेकिन सपोज दैट 100 से पहले 80 पे बीम में क्या हो जाता है, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, या उसमें बहुत सारा डिफ्लेक्शन आ जाता है, बीम यहाँ है पता चला नीचे आ गई, एक फुट नीचे झुक गई, उसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ गए, तो कलैप्स नहीं हुआ उसमें, बीम टूट के गिरी नहीं, फेल नहीं हुई, लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या वहाँ पे आदमी कोई रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो सर्विसेबल नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी दोनों को कंसिडर करके चलेंगे। बेसिकली हम डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से, और चेक करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से। बट इन जनरल ये चीज होती है, हम डिजाइन करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से और चेक करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से ही डिजाइन करें। कुछ चीजें होती हैं वहां पे हम डिफ्लेक्शन को क्राइटेरियन पहले मानने के बाद डेप्थ कंसिडर करते हैं। जैसे हम स्लैब पढ़ते हैं, तो स्लैब ने जो हमारा मेन पर्पज होता है, सबसे पहले जब हम डिजाइन की शुरुआत करते हैं तो वहां से हम डिफ्लेक्शन को कंसिडर करके L/D रेशियो लेते हैं।
तो हम ऐसा कह सकते हैं एक जनरलाइज टर्म में कि क्रिटिकल लिमिट स्टेट के लिए हम डिजाइन करते हैं। किसके लिए डिजाइन करते हैं? हम स्ट्रक्चर को क्रिटिकल लिमिट स्टेट के लिए डिजाइन करते हैं। मतलब अगर कोई चीज जैसे बीम है, बीम किसके किसकी वजह से फेल होती है? मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट की वजह से फेल होती है तो यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होगा? मूवमेंट। या फिर अगर सी आपका अगर सीयर की वजह से फेल हो रहा है तो सीयर। अब वैसे अगर कोई चीज डिफ्लेक्शन की वजह से फेल होने के ज्यादा उसमें चांसेस हैं तो उसको हम डिफ्लेक्शन क्राइटेरियन लेके डिजाइन करना शुरू करेंगे। जब डिफ्लेक्शन टर्म हम कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से और उसका उसको चेक करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से। ठीक, तो इससे इसका हम डिटेल में तो इसको हम देख ही चुके हैं कि क्या होता है लिमिट स्टेट। वैसे तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या है, इसकी क्या क्राइटेरिया होती है। अब हम सेकेंड टर्म जो इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लिया, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये चीज़ भी हमने उसमें देख लिया कि इसमें इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों बोलते हैं। बट जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं एजम्पशन से। शुरू कहाँ से करते हैं? एजम्पशन से। एजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन, एजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन। तो इसका जो फर्स्ट एजम्पशन है दैट इज प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है उसका क्रॉस सेक्शन प्लेन है, अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है और उसका क्रॉस सेक्शन प्लेन है, जैसे ये सपोज दैट एक बीम है, और बीम का अगर हम देखें तो बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस हुई, क्योंकि बीम की लेंथ ये होगी, तो लेंथ अगर ये है तो इसके अलॉन्ग जो एक्सेस हुई लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस हुई, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो प्लेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन। तो बीम का क्रॉस सेक्शन ये हुआ। तो अगर बीम हमारी ऐसे है तो बीम अगर ऐसे बेंड हो जाए, क्योंकि बीम का जो फेलियर, बीम में जो हमारा डोमिनेटिंग फोर्स होता है वो क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट की वजह से वो बेंड होती है। तो अगर बीम हमारी ऐसे बेंड हो जाए, ऐसे मुड़ जाए, तो मुड़ने के बाद ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है ये ऐसे सीधा था, ये जब आपकी बीम बेंड हो जाए तब भी ये प्लेन ही रहे। ऐसे है, अभी देखो ऐसे है, लेस्टेक ऐसे से भले ये ऐसे हो जाए लेकिन यहाँ जो सरफेस है ये प्लेन ही होनी चाहिए। ऐसे है हमारा, अगर बेंड हुआ तो कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लेन है हमारा क्या हो, वो क्रॉस सेक्शन हमेशा प्लेन ही होना चाहिए। जैसे ये बीम है, आगे से हम इसको देखते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन दिखा हमें, ये बीम है ऐसे दिखा हमें लेंथ के अलोंग। अब ये सेक्शन देखो यहां पे प्लेन है, प्लेन है ये। अगर हमने इस पर मूवमेंट लगाया, सपोज दैट ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? जहां पे स्ट्रेसेस जीरो होती हैं। अगर इसको हमने बेंड किया, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, ये आपकी बीम है, ये बीम है, ये आप आगे से यहां से देख रहे हो बीम। अब इसमें अगर मूवमेंट लगा तो मूवमेंट लगने के बाद ये सपोज दैट इसकी क्या है? न्यूट्रल एक्सिस, ये बेंड हो जाएगी। अगर मान लो सपोज दैट हमने ऐसे मूवमेंट लगाया, ऐसे मूवमेंट लगेगा तो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ऐसे इस पे ऐसे मूवमेंट लगेगा तो क्या होगा? ये ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगा। तो लेट्स टेक बेंड होने के बाद ये कुछ ऐसे हो गया, बेंड होने के बाद क्या हो गया? ये कुछ ऐसे हो गया। ऐसे हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा। अब बीम हमारा बेंड होने के बाद कैसे हो गई? कुछ इस तरह के शेप में आ गई। देखो कुछ ऐसे शेप में आ गई है, ऐसे। पहले सीधा था, हमने इसको बेंड कर दिया तो ये बन गई। अब ये बेंड होने के बाद देखो, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन था यहां पे, ये हमारा क्रॉस सेक्शन था, पहले
पहले ये क्रॉस सेक्शन था, अब क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, अब हमारा क्रॉस सेक्शन ये हो गया। तो ये पहले प्लेन था और बेंड होने के बाद प्लेन भी होना चाहिए, मतलब इसमें डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, तो ये जो सेक्शन है ये प्लेन है अगर स्टेक, तो ये बेंड भले हो जाए लेकिन ये बेंड होने के बाद सेक्शन ऐसे हो जाए लेकिन ये पोर्शन प्लेन ही रहेगा। तो ये हमारा पहला एजम्पशन है, इस एजम्पशन का क्या मतलब हुआ, ये तो मुझे समझ में आ गया कि प्लेन सेक्शन बेंड होने के बाद भी प्लेन रहेगा और पहले भी प्लेन रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी स्ट्रेन है वो लीनियरली वेरी करेगी। पूछो कैसे। अब हमने ये क्रॉस सेक्शन देखा, इस क्रॉस सेक्शन को मैं यहां बना देता हूं ऐसे, ये क्रॉस सेक्शन है, ये बीम थी, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन हमने यहां बना दिया, ठीक। अब ऊपर देखो क्या हुआ, ऊपर बीम में कुछ कंप्रेशन आ गया, अगर मूवमेंट ऐसा लगा तो यहां पे कुछ क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया, और यहां पे आपका क्या आएगा, कुछ टेंशन आ गया, यहां पे आपका क्या आ गया, कुछ टेंशन आ गया। देखो ये, यहां पे आपका क्या आ गया, कुछ टेंशन आ गया, यहां पे क्या था आपका, यहां पे कुछ कंप्रेशन आ गया था, तो यहां कंप्रेशन आ गया, यहां टेंशन आ गया, तो ये चीज लीनियरली वैरी करेगी। ये देखो ये चीज क्या होगी, लीनियरली वैरी करेगी। इसका मतलब कि अगर ऊपर कंप्रेशन आ गया लिस्टेक और नीचे टेंशन आ गया तो ये कैसे वैरी करेगा, ये लीनियरली वैरी करेगा, ये कैसे वैरी करेगा, लीनियरली। तो अगर यहां पे हमें स्ट्रेन पता है तो यहां पे हम स्ट्रेन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहां पे स्ट्रेन सपोज दैट एक्स है, ठीक, और यहां पे स्ट्रेन सपोज दैट एक्स डैश हो गई, तो ये डिस्टेंस मान लो अगर वाई है, ठीक, और ये डिस्टेंस अगर मान लो इतनी क्या है, वाई डैश है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स डैश डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वाई माइनस वाई डैश। तो यहाँ से एक्स डैश हमने कैलकुलेट कर लिया, मतलब स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया। तो स्ट्रेन जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सेस से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे न्यूट्रल एक्सेस के पास आते जाओगे स्ट्रेन की वैल्यू घटती जाएगी, और थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन जो हमारा स्ट्रेन का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। अगर यहां पे हमें पता चल जाए तो हम यहां पे अगर डिस्टेंस पता हो तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल लगा के, ठीक। तो इसका मतलब ये अजम्पशन क्या शो करता है, ये शो करता है आपका कि स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर होगा। सो इट इज शोज दैट द स्ट्रेन वेरिएशन The strain variation will be linear। तो हमें क्रॉस सेक्शन देखना है, अगर ये ऐसे बीम है तो ये बीम का नीचे नहीं देखना है, क्योंकि जब बीम बेंड होएगी तो ये वाला पोर्शन तो बेंड ही हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो पहले भी लीनियर था और बेंड होने के बाद क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे से कुछ ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा प्लेन ही रहेगा, यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। और इसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या है कि जो आपका स्ट्रेन का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। स्ट्रेन का वेरिएशन क्या होगा, लीनियर। तो ये हमारी पहली एजम्पशन है लिमिट स्टेट डिज़ाइन की, और ये एजम्पशन जनरली वर्किंग स्ट्रेस की भी है, और आपका जहाँ पे भी बेंडिंग लगता है, जहाँ पे भी बेंडिंग डोमिनेटेड कोई भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे हम कोशिश यही करते हैं कि उसमें डिस्टॉर्शन ना आए, और जब हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे या कोई भी रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा यही मान के चलते हैं। सेकेंड एजम्पशन क्या है, ये सारा का सारा आपका जो एजम्पशन है ये IS कोड में मेंशन है, AIS कोड में मेंशन है। सेकेंड एजम्पशन है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट दी आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर will be 0.0035, कितना 0.0035, ठीक, इन बेंडिंग
कॉलम के केस में हम देखेंगे कि वहाँ पे आपका कंप्रेशन भी आ जाता है, तो इस स्ट्रेन में कुछ चेंजेस भी होते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होती है कंक्रीट में आउटर मोस्ट फाइबर पे? 0.0035। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन बियर करती है, बट हमारा जो कंक्रीट है वो टेंशन बियर नहीं करता। तो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे भी टेंसाइल फोर्स डेवलप होती है, जहाँ पे भी टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ पे हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि हमारा कंक्रीट कोई भी लोड नहीं ले रहा है। वहाँ पे सारा का सारा लोड कौन बियर कर रहा है? वहाँ पे सारा का सारा लोड हमारा स्टील बियर कर रहा है। वहाँ पे सारा का सारा लोड हमारा स्टील बियर कर रहा है। तो अगर हम ये देखें कि मान लो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है बीम का, ठीक, बीम का क्रॉस सेक्शन है, और अगर इसमें ऐसे मूवमेंट लग रहा है, ठीक, तो ऊपर की तरफ कंप्रेशन आएगा, नीचे की तरफ टेंशन आएगा, ऊपर की तरफ कंप्रेशन आएगा, नीचे की तरफ टेंशन आएगा। तो कंप्रेशन आने पे यहाँ स्ट्रेन जो आएगी, स्ट्रेन की वैल्यू जो आएगी, अब देखो इससे ऊपर का एरिया जो ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्रीट, कंक्रीट तो नीचे भी रहता है लेकिन इस एरिया के कंक्रीट को हम कंसीडर नहीं करते, इसको मान के चलते हैं कि कोई लोड बियर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जब कंप्रेशन आएगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ पे होगा? हमने बताया कि न्यूट्रल एक्सेस से जितनी दूर जाते हैं वैसे कंप्रेशन बढ़ता जाता है, या न्यूट्रल एक्सेस से जितनी दूर जाते हैं वैसे टेंशन बढ़ता जाता है। तो न्यूट्रल एक्सेस से सबसे ज़्यादा कंप्रेशन कहाँ होगा? आउटर मोस्ट फाइबर में, जो सबसे दूर का फाइबर है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा होगा। तो आउटर मोस्ट फाइबर में मतलब जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू होगी 0.0035 अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035। ठीक, उसके बाद हमारा जो अगला अजम्पशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमारा थर्ड अजम्पशन है, रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉन्क्रीट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉन्क्रीट and strain in concrete may be assumed working stress में ऐसा नहीं होता था, may be assumed rectangular या फिर आपका ट्रिपोजॉइडल पैराबोलिक या एनी पैराबोलिक और एनी सेप बट या व्हिच रिजल्ट इन प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इज ए सब्सटेंशियल एग्रीमेंट विद द रिजल्ट ऑफ टेस्ट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, विद द रिजल्ट ऑफ टेस्ट, ये कह रहा है कि जो आपका कंक्रीट में, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया तो बेसिकली कंक्रीट, तो कंक्रीट में जो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का कर्व होगा, या हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का कर्व होगा, जैसे ये सपोज दैट हमारी एक्सेस हो गई स्ट्रेन, ठीक, ये हमारा हो गया लेट्स टेक स्ट्रेस, तो इसके बीच जो हम रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे, सपोज दैट चाहे हम ऐसे ड्रॉ कर दें या फिर चाहे हम ऐसे ड्रॉ कर दें कैसे भी ड्रॉ कर दें, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता था, हमें पता है ये लीनियर ही होता था, ऐसे ही होता था, ठीक।
यहाँ पे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे भी हो सकता है, चाहे आपका ये ट्रेंगुलर हो गया, पैराबोलिक हो गया, ट्रिपोजाइडल हो गया, किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन जो इससे इसके बीच जो रिलेशन है उसका जो रिजल्ट आता है, इससे रिजल्ट क्या आएगा, सपोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो इससे हम फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे, अगर हमें स्ट्रेन पता चल गया तो इससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, तो किसी भी शेप का हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो, बट इससे जो हम फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे या इससे जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, चाहे आपका किसी भी शेप का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो। तो इन्होंने क्या तीसरा एजम्पशन दिया, इन्होंने ये दिया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता, मतलब किसी भी शेप का आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो सकता है बट उसका रिजल्ट सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट जो हमारा IS कोड है, मतलब किसी भी शेप का हो सकता है, उन्होंने ऐसा बोला कि जो टेस्ट रिजल्ट होगा किसी भी शेप का हो सकता है, बट जो IS कोड 456-2000 है उसमें जो सारी डिजाइन करी गई है वो डिजाइन आपका ऐसे करा गया हुआ है, ये भी हम देखेंगे, ये आपका यहां से यहां तक ये आपका स्ट्रेट होता है, उसके बाद ये जो शेप है ये क्या हो जाता है, ये पैराबोलिक हो जाता है। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का रिलेशनशिप होता है लिमिट स्टेट डिजाइन में। बट ये ऐसा नहीं है कि यही बनेगा, जब कहीं कुछ नहीं मेंशन है तो हम हमेशा IS कोड की जो IS कोड ने जो दिया हुआ है ये कर्व, इसी को फॉलो करके हम सारे की सारी डिजाइन करेंगे, बीम की, कॉलम की, सब की, बट हो किसी भी शेप का सकता है, आप दूसरे शेप का भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो कोड में गिवन है यही सही है दूसरा कोई डायग्राम नहीं सही होता, बट दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, जो उनका एग्रीमेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का वो सेम होना चाहिए, बट आपका जो कर्व की शेप है वो कोई भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, बट हमारे IS कोड ने क्या दिया हुआ है, हमारे IS कोड ने जो दिया हुआ है वो, जो हमारे IS कोड ने दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, देखो ये आपका पैराबोलिक है ऐसे, उसके बाद यहाँ पे लीनियर हो गया है, यहां से यहां तक आपका पैराबोलिक है, उसके बाद क्या हो गया, लीनियर, ये आपका स्ट्रेन हो गया, ये आपका स्ट्रेस हो गया, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, और इतनी स्ट्रेन के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये इस स्ट्रेन के बाद आपका आगे, मतलब इतनी स्ट्रेस के बाद आपका स्ट्रेन कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ अप टू पैराबोलिक पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेन होता है 0.002, और लास्ट में जहाँ पे हमारा स्टील इसके बाद फेल हो जाती है वो होता है 0.0035, ये होता है आपका 0.002 और 0.0035। यही डायग्राम आप देखोगे जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ऐसे बना होता है, यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे पैराबोलिक, ये ऐसे। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 456। स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे आपका जो ये वैल्यू होती है, वैसे तो देखा जाए तो इसमें कई केसेस हैं, यहाँ पे हम जो डिज़ाइन के लिए जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 0.45, वो लेते हैं 0.45 FC के। ऐसा क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, पता है वो आपकी क्या होती है, FCK, वो आपकी क्या होती है, FCK, ठीक। बट हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लगाते हैं, हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं कंक्रीट के लिए आपको पता होगा 1.5 और आपका स्टील के लिए 1.15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FCK/1.5। बट अब ये FCK/1.5 की वैल्यू क्या आएगी, FCK/1.5 की वैल्यू आएगी 0.666, तो लगभग क्या आती है 0.67 FY। लेकिन हमें पता है कि अब यहाँ पे 0.45 लिया ना, इसकी वैल्यू और रिड्यूस करते हैं, और क्यों रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जब हम इसका कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, तो आपको पता है जो कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे सैंपल का साइज होता है, अगर हम सैंपल के साइज को इंक्रीज करते हैं तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घटती जाती है। जैसे आपका जो क्यूब होता है, अगर हम सिलेंडर में, जैसे आपका US में जो क्यूब का टेस्ट करते हैं, मतलब कंप्रेशन निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं कंक्रीट की, यहाँ पे हम 150 mm के क्यूब का टेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका क्यूब की जगह हम सिलेंडर में टेस्ट करते हैं, तो 300 mm उसकी हाइट होती है, सिलेंडर में टेस्ट करते हैं, तो आपका जो आपका
सिलेंडर का स्ट्रेंथ होता है, जो आपका सिलेंडर का स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, 0.8 टाइम क्यूब का स्ट्रेंथ होता है, 0.8 टाइम क्यूब का स्ट्रेंथ होता है। सिलेंडर की स्ट्रेंथ घट जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ सैंपल का साइज बढ़ जाता है, लेकिन सैंपल का साइज 450 mm के ऊपर कर दें तो उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो सैंपल के साइज की वजह से जो स्ट्रेंथ में वेरिएशन आता है उसको कंसीडर करने के लिए इसको हम 0.8 टाइम और रिड्यूस कर देते हैं, इसको हम 0.8 टाइम और रिड्यूस कर देते हैं, तो ये वैल्यू आती है 0.67 इंटू 0.8, तो क्या हो जाती है आपकी 0. ये आपका वन सेकेंड, यहां पे एफ सी के बाई 1.5 तो लेते ही हैं, और इस एफ सी के को कन्फाइनमेंट की वजह से कितना ले लेते हैं, 0.67 एफ सी के, जो स्ट्रेंथ आपकी एफ सी के आई है उसको लेटरल कन्फाइनमेंट की वजह से कितना ले लेते हैं, 0.67 एफ सी के, और इसको फिर 1.5 से हम डिवाइड करते हैं, इसको हम 0.67 डिवाइड बाई 1.5, तो ये वैल्यू निकल के जाती है आपकी 0.45 एफ सी के, 0.45 एफ सी के, ठीक। तो हमारा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एफ सी के, और सैंपल के साइज से कंप्रेशन स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैरी करती है, तो यहाँ पे हम इसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 0.67 एफ सी के, ठीक। स्ट्रेंथ को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, 0.67 एफ सी के, और फिर जब हम अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट, आपको पता है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कंक्रीट के लिए 1.5, तो इसको हम 1.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ आ जाती है 0.45 एफ सी के, हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या आ जाती है 0.45 एफ सी के, ठीक। तो साइज की इफेक्ट की वजह से हम इसको क्या ले लेते हैं, साइज के इफेक्ट की वजह से हम एफ सी के को 2/3 एफ सी के ले लेते हैं, 2/3 एफ सी के ले लेते हैं साइज के इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए, तो एफ सी के की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0.67 एफ सी के, और फिर यहां पे जब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या जाती है, 0.45 एफ सी के। तो ये जो स्ट्रेन की वैल्यू आती है किस स्ट्रेस पे आती है, 0.45 एफ सी के पे, इसीलिए यहां पे जब हम डायग्राम बनाते हैं स्ट्रेस का, ऐसे ऐसे स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0.45 एफ सी के, और ये पोर्शन आपका लीनियर होता है, नीचे कर्व हो जाता है ऐसे, और स्ट्रेन तो आपको पता ही है क्या होगा, लीनियर ही हमेशा होगा। तो ये आपका तीसरा एजम्पशन था, तीसरा एजम्पशन क्या था कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का कर्व ड्रॉ करते हैं हम कंप्रेशन में कॉन्क्रीट के लिए, उसमें जो कर्व का शेप होता है वो रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोलिक कैसे भी हो सकता है, लेकिन उन सब से जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका वो सेम होना चाहिए सारे केसेस को कंसीडर करने के बाद, ठीक। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था आपका थर्ड एजम्पशन, बट आईएस कोड 456 ने जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है ये दिया है, और उन्होंने ये बोला है कि जब आप टेस्ट करो तो ये वैल्यू पैराबोलिक स्टेट के अलावा दूसरे शेप की भी हो सकती है, बट हम क्या करेंगे, इसी को लेके डिजाइन करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एजम्पशन है, इसी एजम्पशन में उन्होंने बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन भी कर दिया है, जो आपका थर्ड एजम्पशन था इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन भी कर दिया है कि कैसे हम फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम मूवमेंट निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये इसी तीसरे एजम्पशन के अंडर में उन्होंने सारा कुछ ड्राइव कर दिया है। तो देखो, ये आपका हो गया कोई क्रॉस सेक्शन बीम का, ठीक, ये इसकी न्यूट्रल एक्सेस हो गई, ये इसकी न्यूट्रल एक्सेस हो गई। अब न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ सपोज दैट है आपका एक्स यू, ठीक, न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ हमने एक्स यू मान ली, इस बीम की डेप्थ बी थी, डेप्थ इसकी डी थी, यहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट लगा रखा है सरिया, तो इसकी ये जो आपकी कवर हो गई, इफेक्टिव कवर ये हो गया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बचती है कंप्रेशन फाइबर से लेके स्टील के सीजी तक, ये डिस्टेंस क्या हो गई, डी, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। तो डी की वैल्यू, डी क्या हो जाती है, डी माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर में क्या डिफरेंस होता है, ये हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये बीम है, ऐसे यहाँ पे बीम है तो ऐसे सरिया लगी होगी लेंथ के लॉन्ग, तो ये सरिया यहाँ पे दिख रही है ये, तो इस रेनफोर्समेंट के
सरफेस से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल कवर या फिर क्लियर कवर। और इस रेनफोर्समेंट के सीजी से जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। किस केस में कितना कवर दिया जाता है ये हम देख चुके हैं पहले ही कि आपका माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, पेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है, कौन सा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके हिसाब से हमें कितना नॉमिनल कवर प्रोवाइड करनी है ये हमारे कोड में ऑलरेडी दे रखा है। तो हम माइल्ड के लिए कितने करते थे, 20, उसके बाद मॉडरेट के लिए 30, सीवियर के लिए कितना करते थे, 45, उसके बाद वेरी सीवियर के लिए 50, और एक्सट्रीम केस में हम नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, 75 mm। ये चीज़ याद कर लेना, ये चीज़ डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। और आपका माइल्ड कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन। मॉडरेट क्या हो गया, जहाँ पे आपका वो स्ट्रक्चर में वाटर में आपका स्ट्रक्चर बना हो, नॉर्मल वाटर में। अगर आप कोस्टल एरिया में बना देंगे सी वाटर में तो क्या हो जाता है, आपका सीवियर कंडीशन। और जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर अगर सी वाटर से अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग हो रही है तो वो क्या हो जाता है, आपका वेरी सीवियर हो जाता है। और जहाँ पे कुछ केमिकल हजार्डस वगैरह हो, कोई थर्मो पावर प्लांट वगैरह हो, ऐसे कुछ केमिकल वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग हम आपका नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं। और ये बीम का बताया मैंने, जो आपको 20, 30, 45, 45, 50, 75 बताया, किसके लिए, बीम के लिए। बाकी आप कॉलम में जाओगे तो वहाँ 40 mm करते हैं, फुटिंग में 50 mm करते हैं, स्लैब में और कम करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हम देखते जाएंगे जब टॉपिक आते जाएंगे। वैसे ये चीज़ हम मैं पहले आपको बता भी दिया हमने, तो ये आपकी कवर हो गई। अब देखो, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसमें चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे रेनफोर्समेंट हो गई, ठीक। और ये आपका रेनफोर्समेंट के सीजी से आउटर फाइबर के तक की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डी। डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। और टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर की वैल्यू डी आ गई। और इसका जो ये न्यूट्रल एक्सेस है तो इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है कंक्रीट के लिए ये हो गया ऐसे, ये पोर्शन आपका यहाँ तक लीनियर होएगा और उसके बाद ये पोर्शन क्या हो जाता है, पैराबोलिक। और यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, 0.45 fck, ठीक। और आपको पता है कि जो टेंशन में जो कंक्रीट होगा, कंप्रेशन में तो सारा का सारा फोर्स ये कंक्रीट बियर करेगा, बट टेंशन में हमारा ये जो यहाँ पे पता है आपको, ये कंक्रीट भी होगा, कंक्रीट के बीच में ये सरिया लगी हुई है, रेनफोर्समेंट, ठीक। तो ये जो आपका कंक्रीट है ये कोई लोड यहाँ पे नहीं लेगा, कोई लोड नहीं लेगा, इसको मैं मान के चलते हैं कि ये कोई लोड बियर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगले जंक्शन में ये चीज़ में लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। फिर ये सारा का सारा लोड टेंशन साइड का कौन लेता है, रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस आती है वो सारी स्ट्रेस किस में आ जाती है, रीइंफोर्समेंट में, और इसकी वैल्यू ये हो गई। और यहाँ पे जो स्ट्रेन का वेरिएशन होता है वो ऐसे हो, ऐसे स्ट्रेन का वेरिएशन कैसे होएगा, ऐसे, ठीक। ये आपका स्ट्रेन का वेरिएशन हो गया। अब कोड ने क्या बोला है कि कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होती है, 0.0035, और जहां पे हमारा कर्व ये जहां तक हमारा स्ट्रेट होता है यहां पे स्ट्रेन कितनी है, 0.002। हमने इस कर्व में देखा था ऐसे बना के, ये पैराबोलिक था, स्ट्रेट था, तो जहां तक पैराबोलिक थी 0.002 था, यहां पे 0.0035 था। और उन्होंने ये चीज भी मेंशन करी है कि टेंशन में स्टील में मिनिमम रेनफोर्समेंट, यहाँ पे कितना है मैक्सिमम, बट स्टील में मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.002 प्लस FY बाई 1.15E यंग मॉडल्स ऑफ स्टील। ये आपका यहाँ पे ये मैक्सिमम स्ट्रेन होता है और यहाँ पे ये मिनिमम स्ट्रेन होती है, यहाँ पे ये मिनिमम स्ट्रेन होती है। और ये मिनिमम स्ट्रेन क्यों होती है, ये मिनिमम स्ट्रेन इसलिए होती है कि अगर हमारा स्टील में इतना स्ट्रेन नहीं पैदा होएगी तो इसका मतलब अगर स्ट्रेन ज़्यादा है, मिनिमम है, इससे ज़्यादा स्ट्रेन होनी चाहिए तो स्ट्रेस भी हमारी ज़्यादा होएगी, तो स्ट्रेस भी ज़्यादा होएगी। और अगर उसमें स्टील में इतनी स्ट्रेस डेवलप नहीं हुई तो हमारा स्टील लगाने का फ़ायदा क्या। जैसे मान लो कि हमने देखा, तो मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि आपने ऊपर कंक्रीट है, नीचे आपका क्या है, स्टील है। अब कंक्रीट में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, कंक्रीट में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस आपका क्या होता है, यंग मॉडुलस ई ऑफ कंक्रीट इनटू आपका
स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन कंक्रीट। अब आपको पता है कि ये सपोज दैट आप M25 का सरिया, M25 ग्रेड की सीमेंट यूज कर रहे हो, एम फॉर मिक्स 25 क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 MPa। अब अगर यहाँ अब आपको पता है कि EC की वैल्यू क्या होती है, 5000 FCK इंटू स्ट्रेन क्या है 0.0035। अब यहाँ से अगर देखें हम तो 5000 FCK कितना है, 25 स्क्वायर रूट 25 क्या हो गया, 5 × 0.0035। तो यहाँ से कितना स्ट्रेस आई स्टील में, कंक्रीट में, 5000 × 5 × 0.0035 कितना आ गया आपका, ये आ गया 87.5। ये कुछ हमने गड़बड़ किया क्या, ठीक है, स्ट्रेन आपका 0.0035 था और ई की वैल्यू क्या होती है, यंग मॉडुलस 5000 FCK, तो 5000 × 5 × 0.0035। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई, 87.5। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई, 87.5। अब अगर हम कंक्रीट में देखें, स्टील में देखें, तो स्टील में अगर सेम स्ट्रेन के लिए हम स्ट्रेस देखें तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, E × स्ट्रेन, और स्टील का यंग मॉडुलस का वैल्यू क्या क्या होता है, 2 × 10⁵ × 0.0035। तो यहाँ से जो स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 10⁵ × 0.0035। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, अभी इसमें कुछ सोचना मत आप, बस एग्जांपल समझो, ये मतलब एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई, देखो 700 MPa आ गई, और यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या आई, 87। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या आई, 87। अब देखो कितना फर्क है इन दोनों स्ट्रेसेस में। तो अगर 0.0035 स्ट्रेन आती है तो हमारा कंक्रीट तो 87 पे टूट जाएगा, जब कंक्रीट टूट गया तो स्ट्रक्चर हमारा टूट जाएगा। तो इतनी महंगी सरिया लगा के क्या फ़ायदा, जब 87 पे हमारा टूट जाता है और ये 700 स्ट्रेस बियर कर सकती है, तो इतने पे टूट जाएगा तो स्टील का क्या काम, स्टील लगेगी लगी रह जाएगी। तो इसलिए हमारा ये मिनिमम स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं कि स्टील में कम से कम इतना स्ट्रेन आना चाहिए जिससे कि कंक्रीट के क्रैक होने के बाद हमारी स्टील तक स्ट्रेस पहुंचे और स्टील भी हमारा न्यूटिलाइज करे इस लोड को, पहली चीज। और दूसरी चीज, कंक्रीट में क्या होता है, ब्रिटल फेलियर होता है, कंक्रीट हमारी तुरंत टूट जाएगी, कंक्रीट हमारी तुरंत टूट जाती है अगर इस पे लोड लगाया तो। ये नहीं कि बहुत इसमें डिफॉर्मेशन होगा तुरंत टूट जाएगी, लेकिन जो हमारी स्टील होगी उसमें धीरे धीरे पहले डिफॉर्मेशन होगा फिर टूटेगी। तो जब डिफॉर्मेशन होएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसका डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, ये फेल होने वाला है। जब डक्टाइल फेलियर होता है तो हमें वहां से निकलने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन ब्रिटल फेलियर होगा तो फट से गिर जाएगा और वहां पे लोग, वहाँ पे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारा लॉस हो सकता है। इसलिए डक्टाइल फेलियर हो और हमारे इतने महंगे मटेरियल का यूटिलाइजेशन भी हो, इसलिए IS कोड ने क्या बोला है कि स्टील में कम से कम इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक। तो ये हुआ आपका थर्ड एजम्पशन। अब फोर्सेस वगैरह को हम इसके बाद निकालेंगे, पहले मैं सारे एजम्पशन को डिस्कस कर लें, फिर देखेंगे किसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम कैसे फोर्स निकालते हैं, कैसे मोमेंट निकालते हैं, और जो फॉर्मूला आप याद करते आते हो RCC में, वो यहाँ पे एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी डिज़ाइन आता है, मतलब कोडल रिकमेंडेशन के अलावा कोई भी फॉर्मूला आपको बीम वगैरह का, कॉलम का याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे और सीधे फॉर्मूला लिखना शुरू कर दोगे, ठीक। उसके बाद आपका अगला एजम्पशन क्या है, अगला एजम्पशन है फोर्थ, वैसे थर्ड के ही सब पार्ट हैं, फॉर डिजाइन पर्पस द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फॉर कंक्रीट इज टेकन एज 1.5 एंड फॉर स्टील 1.15। ऐसा क्यों, कंक्रीट में ज़्यादा क्यों, स्टील में कम क्यों, क्योंकि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें, जब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा होता है,
उसमें क्वालिटी को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बट जब कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें हम उस एक्यूरेसी से क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है और कंक्रीट में ज़्यादा होता है। ठीक, और उसके बाद इसी में आपका मैक्सिमम स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन इन स्टील रेइंफोर्समेंट इज टेकन एज 0.002 प्लस FY बाई 1.15 ES। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी आपको कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है आपका क्या, स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस। अब स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, FY। ठीक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया हमने 1.15 ES से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कन्फाइनमेंट को नहीं कंसीडर किया, बट ये 0.002 क्यों आ गया, इसे कोड में दिया हुआ है। लेकिन ये बताता हूँ, ये जो आपका जो मटेरियल जिसमें एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में, वहाँ पे जब हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, तो हम प्रूफ स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं। और प्रूफ स्ट्रेस किस स्ट्रेन पे लिया जाता है, 0.002 स्ट्रेन पे। मान लो जैसे आपका कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्टील का तो हमें पता है SM बना देते हैं, ये तो पता चल जाता है कि यील्ड पॉइंट है। अगर मान लो कोई यहाँ तक स्ट्रेट था, कोई कर्व आपका ऐसे बन गया, तो इसमें आपको इलास्टिक लिमिट नहीं पता चल रही, लीनियर आपका नहीं है, तो सारा का सारा जब कर भी है तो आप कहाँ तक लोगे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या, वो यील्ड पॉइंट क्या मानोगे। तो इस केस में हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस पॉइंट से जीरो, यहाँ से एक हम कर्व डालते हैं इसी के टेंजेंट के पैरेलल, और 0.002 स्ट्रेन पे, ये स्ट्रेन जो है यहाँ पे, ये जो स्ट्रेस मिलती है आपको, इसी को हम क्या बोल देते हैं, यील्ड स्ट्रेस। तो ये जो 0.002 स्ट्रेन होती है उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिक लिमिट के ऊपर स्ट्रेन जानी चाहिए। तो इलास्टिक लिमिट तक तो स्ट्रेन कितना हो गया 0.002, इसके बाद भी यहाँ पे कुछ स्ट्रेन की वैल्यू आनी चाहिए जिससे कि हमारा मटेरियल की स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट में सीधे डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। आपका अगला जंक्शन है 6, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड। जो आपकी टेंशन जोन में कॉन्क्रीट होती है उसको हम कंसीडर नहीं करते, उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक, तो ये आपका कुछ ये आपके कुछ एजम्पशन थे। और अगला है आपका ई की वैल्यू, वैसे ये सबको पता होता है कि ई की वैल्यू हम कितना लेते हैं, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², किसी भी केस में, चाहे आपका Fe250 हो, चाहे आपका Fe415 हो, या Fe500 हो, सारे केसेस में इसी स्ट्रेन यंग मॉडल्स को हम कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक एजम्पशन थे लिमिट स्टेट डिज़ाइन के। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट 0.0035, मिनिमम स्ट्रेन इन रीइन्फोर्समेंट 0.002 प्लस FY/1.15 ES। उसके बाद आपका कॉन्क्रीट को टेंशन में हम इग्नोर कर देते हैं, और जो उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच का रिलेशन होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, बट उनका जो एग्रीमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए, वो सेम रिजल्ट देने चाहिए। तो ये आपके, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। तो ये हमारे बेसिक एजम्पशन थे लिमिट स्टेट डिज़ाइन के। अब हम देखेंगे आगे कि कैसे हम फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, सब स्ट्रेस डायग्राम से हम कैलकुलेट करेंगे, आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, और कैसे हम ड्राइव करते हैं 1 by 1 इन चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।